कौन लड़की पसंद थी क्लास में? हाई पार्टनर। और बाथरूम वाली चप्पल है ये पहन के जा रहे हैं लखनऊ बिना नहाए। आज हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन है हमारे प्रोजेक्ट की, तो हमारे यहाँ काफी सारे बच्चे अभी डरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से 400-500 ब्लॉक्स में बात करके इतना बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि डर नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी रिसेंटली MBA एडमिशन के लिए 2 जगह ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू देकर आए, तो वहां से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस गैदर हुआ। तो बच्चे एकदम टेंशन में है कतई। तो जो हेडिंग है भाई, इनकी बिजली रहती है यहाँ पर। चलो आप समझ जाओ। बच्चों का डर का माहौल है बिल्कुल। बच्चे एकदम डरे हुए हैं सब एकदम। भाई हमको अपना भी दिखा दो। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. So well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you want. Presentation ke chakkar mein subah se kuch khaye nahi the. To subah 10 baje ka time mila tha, to sab log aa gaye the. Phir 1 baje ka time ho gaya, 12 baje ka time ho gaya, 12:30 ho gaya. बढ़ता जा रहा है। अब फाइनली 3 बजे का टाइम मिला है। अभी वहाँ बैठे थे, 1-2 घंटे का एक सेमिनार चला था, तो उसमें अपने को मिला एक बिस्किट और एक चाय। चाय पीते नहीं है तो बहुत कम सी ली थी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख भयंकर लगी हुई है, भूख से सर दर्द सा हो रहा है। और 2:45 है, 3 बजे से अगर है तो अब इतना टाइम भी नहीं है कि रूम पे जा कर कुछ खा पाए, तो बस ये बिस्किट है अब आज के लिए। तो पूरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, एक डस्टबिन नहीं मिली है फेंकने के लिए। जो हमारा NSS का कैंप हुआ था सेकेंड ईयर में, तब हमने कहा था जो हमारे VC सर थे उनसे, तब भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कहने से कुछ होता था आजकल गवर्नमेंट है। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर अपने को मिली एक डस्टबिन, तो उसमें ये फेंक देंगे, फिर चलेंगे डिपार्टमेंट, इंतज़ार करेंगे कब आएगा हमारा नंबर प्रेजेंटेशन देने का। वहाँ पर बिस्किट हमने 2 लेने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही मिला। मटेरियल है अपने पास, एक जूनियर को दे देंगे। ये सब भी फार्मा फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के नोट्स हैं। स्क्रिबल डे पे ये पहने थे, तो पता नहीं इसमें किसने पेन चला दिया, और जब कानपुर से आए थे रात में तो ये वाली पहने थे, तो इसको भी धोनी है। और ये कल बारिश थी तो पता नहीं इसमें छींटे वीटे लग गई थोड़ी, तो इसको भी धोना है। ये तीनों आज धो देंगे। पहली बार पैजामा और शर्ट पहन के कहीं जा रहे हैं, क्योंकि सारी 3 ही जीन्स हैं अभी बरेली में, बाकी घर पे रखा है, और वो तीनों अभी गीले हैं, मतलब सूख कर दिए। तो पैजामा, शूज और शर्ट। ये देखो गंदी पैंट पहन के जा रहे हैं, बिल्कुल कीचड़ लगा हुआ है। ये हमारा कीचड़ आ गया भाई, पूरी जीन्स में लगा हुआ है। और बाथरूम वाली चप्पल है ये पहन के जा रहे हैं लखनऊ बिना नहाए। नाइस टू मीट यू बाय। ऐसे ही सारे लोग धीमे धीमे अपना सामान कम करते हुए जा रहे हैं, और हमारा भी 4-5 बैग पहुंच गए हैं, और 2-3-4 बैग अभी भी बाकी हैं, बुक्स बाकी हैं, खाना बनाने का सामान बाकी है, कपड़े ऑलमोस्ट पहुंच गए।
बस है, लेकिन दो तीन बैग अभी भी हैं, काफ़ी सामान ले जाना है घर वापस। देखो कब जाते हैं, हो सकता है आज ही निकल जाए या फिर हो सकता है कि वाइवा की डेट आ जाए तब जाए। प्रोजेक्ट का सैटरडे तक करना था और आज ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट। बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो हो जाएंगे जल्दी में। कल हमने प्रेजेंटेशन दे दी थी तो आज हमने वाइवा कह रहे हैं प्रोजेक्ट भी सर को दिखा दिया, जो बचा कुचा काम था वो भी हो गया है। दो चार छोटे मोटे एरर हैं वो भी क्लियर करके मंडे तक प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा। फिर देखते हैं कब होगा वाइवा और फाइनल सबमिशन। कुत्ता भौंके ले रहा है बातें सुन के। ज़रूरत पड़ने पे अगर बैग का पहिया टूट जाए तो बहुत बुरा लगता है भाई। बहुत धोखेबाज बैग निकला है। मसाला मट्ठा है। ट्रेन हमारी वन पे आ रही है, S5 है हमारा, S5 में सीट नंबर 8। S5 में सीट नंबर 8, 5 और 8 में रोल नंबर भी था 58। पेड़ पर अलॉट हुई है, बैग नीचे रख दिया, ये शूज़ इसी के बगल में, एक बैग ये। अब आराम से सोएंगे, इसके अंदर से पिलो निकाल लेंगे आराम से। ये पिलो है, ये सब अंदर रख के आराम से सोने का सीन है। आज हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन और वाइवा, मतलब कि आज है बी फार्मा का लास्ट डे और सितंबर का भी आखिरी दिन है आज। और आपको मैं बताऊं कि कुछ बच्चों का कल भी होगा तो हो सकता है हमारा कल हो। कोशिश यही रहेगी कि आज ही सब दे दा के ख़त्म हो जाए मामला। इस तरह से शूट कर ले जरा कॉलेज अपना सामने वाला। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. तो लगभग 49 कॉलेजेस के बाद आज आपको दिखा रहे हैं कॉलेज नंबर 50, जो कि है MJPRU का कैंपस। इसमें वैसे जो मेरा पहला कॉलेज ब्लॉक था वो भी इसी कॉलेज का था, पर आज यहाँ पर मेरा कॉलेज में लास्ट डे है तो सोचा चलो एक बार और इस कॉलेज को कवर करते हैं। वैसे जब बारिश होती है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इधर है डिपार्टमेंट ऑफ CSIT, फिर है डबल ई, इधर है प्लांट साइंस। Say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like give me time, the conversation changes, and I want you right back. और ये अपना कैफेटेरिया, ये अप्लाइड। फिर अपने कोने में बना हुआ है फार्मेसी डिपार्टमेंट, जहां हमने 4 साल बिता दिए हैं। ऑलमोस्ट हमारी ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट हुई और अब पोस्ट ग्रेजुएशन देखते हैं कहाँ से होती है। यहाँ से तो नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, बाकी पता चलेगा जो होगा आपके साथ बने रहेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट की फार्माकोलॉजी लैब, जहाँ सारे स्टूडेंट्स आज बिना लैब कोट के आ गए हैं गलती से। ये बहुत ही होनहार छात्र, एंड होनहार बोला है तो आई मीन इट, बिकॉज हम लोग किताबें पढ़ नहीं पाते और ये तीन तीन किताबें लिख चुकी हैं, तो ये वाकई होनहार टैलेंट है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं। डिपार्टमेंट फार्मेसी की 4th ईयर की क्लास, जो कि एकदम कॉलेज। फाइनल आज ऑफिशियली हमारा बी फार्मा कंप्लीट हो गया, वाइवा भी हो गया। हाँ हाँ, आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। वाइवा भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ पूरा। अभी आपको दिखाई थी स्कूटी से, अब दिखा दे रहे हैं साइकिल से। यूनिवर्सिटी तो वही है,
थोड़ी देर बाद पैदल भी आएंगे। इकरार भाई कैसा रहा तुम्हारा बी फार्मा? बहुत सही, बहुत मजा आया। अच्छा रहेगा रिजल्ट, अच्छा है भाई का तो अच्छा मानेंगे। और सबसे क्या सीखा सबसे बड़ी चीज़? उसने 4 साल बर्बाद किए। और कौन सी लड़की सबसे अच्छी लगी? कोई भी नहीं लगी, कोई भी नहीं। ये हमारे बैच में बहुत बड़ी कमी थी, ऐसा इकरार भाई बता रहे। कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कौन लड़की पसंद थी क्लास में? सब लोग शर्मा जी। अंकल ये अंकल यार फैमिली पार्ट है यार। बाय ब्रदर, बाय पार्टनर, बाय पार्टनर, बाय ब्रो। भाई एक फोटो जाके किसकी वीडियो वीडियो बना। जाओ जाओ जा बे। नो मेरा बैच है, मेरा भी। बाय तो आज इसरार भाई के साथ हमारा फाइनल ब्रेकफास्ट। और इसरार भाई आपको कौन सी लड़की अच्छी लगी ये बता दीजिए एक बार, सब जानना चाहते हैं। रिपीट कितनी बार रिपीट कराएंगे क्या? कोई नहीं, बार रिपीट कराएंगे आप? कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। कोई तो होगी भाई। अच्छा सबसे फेवरेट टीचर कौन था यहाँ पे? सब अच्छे थे। एक बताओ नाम, सब अच्छे थे। फेवरेट टीचर कौन था? के सर। नहीं मैम इधर ही आप खड़े रहो, दोनों खिंचवा लो दोनों। अब रील थोड़ी लगती है यार। नहीं सही बात, पहले लगता था वो रील पड़ती थी, वो पैसे की आती थी अलग से 35 रुपए की। ये कुछ पुरानी नोटबुक्स है जिनको रद्दी में बेचना है 18 रुपये प्रति केजी। मेरे अनुमान से 4 किलो तो होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू माय आइडिया गेस। तो फोक्स ये था हमारा बी फार्मा का सफ़र जो कि एक बढ़िया हैप्पी एंडिंग वाली मूवी की तरह एंड हुआ। इसमें बहुत सारे नेगेटिव रोल्स भी थे, पॉजिटिव रोल्स भी थे, लव स्टोरीज भी थी, दोस्ती भी थी, यारी भी थी, विलन भी थे, हर चीज़ थी। ये एक ऐसा क्लासरूम था जहां हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ पहचाना। आगे के लिए ये क्लासरूम से रिलेटेड मेमोरीज बहुत काम आएंगी और यहाँ से जो हमको लेसन्स मिले वो भी बहुत काम आएंगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड लव यू गाइस। मन हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना, ना हो तो कोई बात नहीं। और इस क्लास की वजह से ही मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी वो है बुक राइटिंग, ये यूट्यूब चैनल, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह यहाँ के लोगों से सीखी। अगर इस 4 साल के सफर में आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो एटलीस्ट मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से पहले। अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर दोगे तो वो मेरे आगे काम आएगी और हो सकता है उसको क्लैरिफाई भी कर दूं कि आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी बाय बाय, फिर से बाय बाय, अगेन बाय बाय। भाई अल्ठल भाई की विदाई हो रही है, यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी गया अंकल जी से मिलने। तो इसमें हमने अल्ठल भाई को भी बैठा दिया है, अब सरस्वती में हम आखिरी बचे हैं। देखो वहीं कहीं बैठा होगा, हिट रहा होगा। भाई सुनो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।